प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे बच्चों। इससे पहले हमने चिट्ठी का सफ़र पढ़ा था और आज हम डाकी की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें भी वो ये संचार के साधनों के बारे में बताया गया है और आज हम चिट्ठी का सफ़र किस प्रकार है कंवर सिंह का, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 है हुए हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए दो पैकर और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। किसने? लेखक ने। जो इस के लेखक है ना, उन्होंने उनसे बात की और उनके लेखिका का नाम है प्रतिमा शर्मा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा 1 और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि गांव का जनजीवन बहुत ही कठिनाइयों का भरा हुआ होता है। बच्चों, शहर की तरह नहीं है कि आप गैस पर खाना चढ़ाया और बन गया। वहां गांव से लकड़ी लानी पड़ती है और चूल्हे पर खाना बनता है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ पर हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि फिसल जाती है ना ऊंची पहाड़ी से। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं, तो ये लोग अपना जो सफ़र है वो पैदल चलकर ही पूरा करते हैं। और डाकिया भी ऐसे ही करते हैं, जब चिट्ठी पहुंचाते हैं घर घर में तो वो भी ऐसे ही अपना सफ़र पूरा करते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। बताओ, 5 किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं बच्चे। आप लोग तो मज़े से स्कूटर से जाते हो ना, बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, पापा के साथ भी जाते हो। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन से हैं? क्या आपको डाकिया ही बन कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। अब पैकर का काम होता है जैसे रजिस्ट्री, चिट्ठी, पार्सल, मतलब छांटना और उनको सही जगह पर पहुंचाना, ये काम होता है पैकर का। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज
संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। आज भी गांव में लोगों को चिट्ठी के लिए, मनी ऑर्डर के लिए डाकिये का इंतज़ार रहता है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी की का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और दादी, नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। और बच्चों, आज भी गांव में डाकिये का बहुत आदर सम्मान किया जाता है। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। बच्चों, ये लेसन बहुत बड़ा है और आगे के जो 2 पेज हैं वो आप स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद मैं आपको इसके कठिन शब्द और नवीन शब्द भी कराऊंगी। तो बच्चों, आज ये लेसन आप खुद पढ़ेंगे और आगे भी बहुत रोचक चीज़ें हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं वो पूछ रही है। फिर पहाड़ी इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इस तरह की इसमें घटनाएं बताई गई हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप आगे का पार्ट, आगे के जो पेज हैं 60 और 61 स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद।